हाय किड्स, वेलकम टू फर्स्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लास। टुडे आई कम विथ लेसन नंबर 3। लेसन नेम इज द एग। विद द हेल्प ऑफ दिस लेसन, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक बाय पेज नंबर 67, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन द हाफ पार्ट ऑफ दिस लेसन। ओके, बाय द हाफ पार्ट वी कम टू नो दैट ए बेबी पैरोट लिव्ड इन ए नेस्ट विथ हर मदर एंड ए बिग वाइट। एक बेबी पैरोट अपनी मम्मी और एक वाइट एक के साथ घोंसले में रहती थी। वन डे मदर वेंट आउटसाइड टू ब्रिंग फूड फॉर बेबी एंड फॉर हरसेल्फ। दैट टाइम शी टोल्ड टू बेबी पैरोट टू टेक केयर ऑफ द वाइट एग। मम्मी एक दिन बाहर गई खाना लाने के लिए और उसने बेबी पैरोट से कहा कि तुम अंडा और अपना ख्याल रखो। बेबी पैरोट लुक्ड एट द एग वेरी केयरफुली। ओके, वाइल डूइंग और वाइल केयरिंग द एग, एग एग सी बेबी पैरोट हर्ड द मंकीज प्लेइंग इन द ट्रीज। बेबी पैरोट ट्राई टू कॉल लाइक ए मम मंकी। अंडे का ध्यान रखते रखते बेबी पैरोट को मंकी दिखाई दी, बंदर दिखाई दी, और उनको देखकर सी ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विथ देम। देन दैट टाइम सी फॉरगेट अबाउट द एग। सडनली सी रिमेंबर्ड अबाउट द एग एंड शी लुक्ड एट द एग। बट व्हाट हैपेंड, उस समय क्या हुआ था, द एग वॉज ब्रोकन, एक टूट गया था। मम्मी वुड बी एंग्री। द बेबी पैरोट थॉट दैट व्हेन मदर विल कम सी विल बी एंग्री ऑन हरसेल्फ। बट व्हाट हैपेंड व्हेन मदर केम, व्हाट हैपेंड जब मम्मी आई तो क्या हुआ, सी वॉज नॉट एंग्री एट ऑल। मम्मी आने के बाद बिल्कुल एंग्री नहीं हुई उसके बाद। सो टिल अप टू आई एक्सप्लेन बाई प्रीवियस वीडियो एंड टूडे इन शॉर्ट आई एक्सप्लेन। Now look at remaining part. Do not worry, mummy said as a little parrot popped out of the broken egg shell. Don't worry, baby parrot. Mummy ne mother said to baby parrot that don't worry baby. As a little parrot popped out of the broken egg shell. From the egg shell a little parrot will come out. Okay, the egg has hatched while I was away. Now you have got a new baby sister to play with you. Don't worry, baby parrot, mummy said. Mummy ne kaha ki baby parrot, don't worry. You will get a new baby sister to play with herself. Okay? Aapko ek choti si sister milegi jiske saath aap khel sakte. So with the help of textbook, I explain this lesson. After watching video, you also open your textbook and try to read this lesson and clear your concept. Okay?